कायम अयूब की काफ़ी बात हो रही है कि वो जिस तरह नो लुक शॉट्स खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और मुझे लगता है नो लुक कुछ ज़्यादा ही नो लुक हो गया है कि वो अब बिल्कुल ही नो लुक हो गया, स्टेडियम से भी नो लुक हो गया। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि हमने कायम को लेकर जाना ही है, जबकि कल वाज़ह हो गया कि बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप से बेहतर कोई उसका कॉम्बो नहीं है, कोई ड्यो नहीं है, तो क्या ज़रूरत है कायम अयूब की? आई थिंक मीरब, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि शाहिद भाई ने कुछ साल पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान की कैप लेना बहुत ईजी हो गया। वो इजी क्यों हो गया कि आपका जो PSL है वो आपका प्राइमरी T20 टूर्नामेंट है। अब होता क्या है कि कोई भी प्लेयर, एक नया प्लेयर आता है, एक यंगस्टर आता है, वो PSL के एक दो मैचेस में परफॉर्म करता है और आउट ऑफ ऑर्डनरी वो पाकिस्तान की टीम में आ जाता है। ये सिर्फ साइम के साथ नहीं हुआ, ये इससे पहले हारिस के साथ भी हुआ। मोहम्मद हारिस इसी तरह PSL में परफॉर्म किया, डायरेक्ट फ्लाइट मिली पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद उसकी कोई अच्छी इनिंग्स नहीं नजर आई।